हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और हमारे वीडियोस को, लेक्चर्स को लाइक शेयर कर रहे होंगे। ऐसे करते रहे, मोटिवेशन मिलता है। और ट्वेल्थ के लिए जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, हमने लास्ट टर्म पे, लास्ट वीडियो में एड्स के बारे में जाना था। बहुत ही क्रॉनिक डिसीज थी एड्स। 25 मिलियन लोग मारे गए हैं उस बीमारी से अभी तक। तो उस जैसी डिसीज के साथ एक डिसीज और जुड़ी हुई है, और वो डिसीज है हमारी कैंसर। ये भी एक जानलेवा बीमारी है जिसे हम कहते हैं कैंसर। बड़ा ही कॉमन है, कैंसर नाम सुनते हैं कई मूवीज में। कैंसर नाम आया नहीं कि अब वो बच रहा नहीं, तो शायद सही भी है। कैंसर डिसीज का जो पेशेंट है इनिशियल स्टेज पे हो तो शायद वो बच जाए, अदरवाइज बचना उनका मुश्किल होता है। बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स कैंसर डिजीज से मरे हुए हैं। आखिर कैंसर का कारण क्या है? तो देखिए, कारण तो मैं आपको बताऊंगा क्या कि कारण क्या क्या होते हैं कैंसर होने के, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैंसर क्या है। जैसे मैंने एड्स को इंट्रोड्यूस किया था आपके साथ, ऐसे ही आज हम कैंसर को इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ। आपके दो सेल्स देख रहे हैं जो डिवाइड कर रही हैं, ये कैंसरस सेल्स हैं और एक डिवीजन का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। एक सेल डिवाइड होकर के टू सेल्स में डिवाइड हो रही है। ये बैरन का पेज इसलिए रखा गया क्योंकि कैंसर एक डिवीजन के कारण ही है। जब सेल डिवीजन करती है, माइटोसिस डिवीजन, नॉर्मल हर एक सेल का एक टाइम होता है कि एक सेल इतने देर में वन से टू सेल्स डिवाइड हो जाएंगे। उसके सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं जो उस टाइमिंग को फिक्स करते हैं कि भाई इतने टाइमिंग के बीच में ही ये डिवाइड। लेकिन जब ये फैक्टर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो सेल डिवीजन पे कंट्रोल नहीं करते हैं। होने दो सेल डिवीजन, रैपिडली बढ़ गया सेल डिवीजन तो वो एक ट्यूमर फॉर्म कर लेता है, और वो ट्यूमर हमारे कैंसर को अंजाम देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हम आज बात करने जा रहे हैं कैंसर के बारे में। कैंसर है क्या? कैंसर जो बीमारी है, इसको समझने के पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो नॉर्मल सेल होती हैं एक फिक्स टाइमिंग पे, एक कंट्रोल्ड वे में वन से टू सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक कंट्रोल्ड मैनर में, एक कंट्रोल्ड मैनर में। जब नॉर्मल सेल वन से टू सेल हो रही है, एक कंट्रोल मैनर में हो रही है, एक फिक्स टाइमिंग के साथ होगी, फिक्स टाइमिंग के साथ, फिक्स टाइमिंग के साथ नॉर्मल सेल एक से दो हो रही है। लेकिन कुछ कारणों से, कारण क्या है बताऊंगा अभी आपको, कुछ कारणों से, कुछ फैक्टर्स आ गए, कुछ ऐसे फैक्टर जो इस टाइमिंग को अफेक्ट करते हैं, जो इस टाइमिंग को अफेक्ट कर गया। अफेक्ट करने के कारण जो कंट्रोल्ड चल रहा था चीज, अभी अब ये अनकंट्रोल्ड हो गया। अनकंट्रोल्ड हो गया, और अनकंट्रोल्ड होने के कारण हमारी जो नॉर्मल सेल थी, ये नॉर्मल सेल डिवीजन स्टॉप ही नहीं कर रही है, कंटिन्यूअसली डिवीजन करती चल रही है, कंटिन्यूअसली डिवीजन चलता चला जा रहा है। यानी कि एक सेल का मास तैयार हो गया, एक मास ऑफ सेल तैयार हो गया।
अभी नॉर्मल एक से दो चल रही थी, कंट्रोल्ड वे में नॉर्मल से डिवीजन कर रही थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन किन्हीं कारणों से, किन्हीं फैक्टर से फिक्स टाइमिंग डिस्टर्ब हो गई, अब रैपिडली इंक्रीज कर गई सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की स्पीड इतनी बढ़ गई कि जहां पर मान लीजिए हम एक सोचते हैं कि नॉर्मल सेल को 3 आवर्स लग रहे थे एक से दो होने में, 3 आवर्स लग रहे थे एक से दो होने में, लेकिन अब केवल 3 मिनट लग रहे हैं एक से दो होने में। तो रैपिडली बढ़ गई ग्रोथ, सेल बढ़ना चालू हो गया, डिवीजन बहुत तेज चालू हो गया, इतनी तेज चालू हो गया कि सेल मास का सेल एनो सेल मास ऑफ सेल तैयार हो गया, और इसी मास ऑफ सेल को हम नाम देते हैं ट्यूमर। तो ये जो हमारा ट्यूमर है, ये ट्यूमर हमारा एक तरीके का कैंसर कॉजिंग सेल है, कैंसर कॉजिंग टिश्यूज है। तो याद रखिए कैंसर ट्यूमर है एक तरीके का, अगर किसी को ट्यूमर है वो कैंसर है, क्योंकि कैंसर ट्यूमर ही है। ये कॉमन बीमारी का नाम दे दिया कैंसर। कैंसर किसके कारण हो रहा है? कैंसर हो रहा है ट्यूमर के कारण। ट्यूमर है क्या? अनकंट्रोल्ड सेल का डिवीजन हो रहा है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवाइड कर रही है, जिस कारण आपको ट्यूमर हो गया। सॉरी नॉट ऑफ किसी भी अदर पर्सन को, पेशेंट को ट्यूमर हो गया। अब ट्यूमर हो जाता है ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा? ट्यूमर हो जाने के कारण ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अभी जब ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जब ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ऐसी कंडीशन पे जस्ट अ मिनट, ऐसी कंडीशन पे ब्लड सप्लाई जब रुक गई है, जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो इंफेक्शन चालू हो जाएगा, ये ट्यूमर फट सकता है, ट्यूमर फट करके पूरी बॉडी पे पहुंच सकता है और आपको एक इंफेक्शियस ब्लड का सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, पूरी बॉडी पे इंफेक्शन फैल जाएगा और पेशेंट की मौत हो जाएगी। तो कैंसर कॉमन देखा जाए तो कैंसर रीजन है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन का। एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जब हो जाता है तो ट्यूमर कॉज हो जाता है। यही है पूरा एक कैंसर, एक बेसिक थीम है ये कैंसर की। अब इसी के साथ आपको पढ़ाया जाए कि काम जो ट्यूमर हमारे हैं, ये ट्यूमर कितने टाइप के हैं। अब ट्यूमर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैंसर हो रहा है, यानी कैंसर के एजेंट क्या है, कार्सिनोजेंस क्या है वो जानना पड़ेगा, ट्रीटमेंट जानना पड़ेगा, प्रिवेंशन जानना पड़ेगा, डायग्नोस जानना पड़ेगा, और तब कहीं जाकर के हमारा कैंसर फिनिश होगा। तो आई थिंक कि आपके ब्रेन में एक सिंपल सा थीम बन गया कि आखिर कैंसर है क्या। कैंसर पेशेंट के बॉडी में होने वाले अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन का नतीजा है। चाहे वो बोन मैरो की सेल्स में हो तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, ब्रिस्ट की सेल्स में हो तो ब्रिस्ट कैंसर हो जाएगा, ब्रेन की सेल्स में हो गई प्रॉब्लम तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। कई जगह जिस जगह ट्यूमर बन गया उस जगह पे वो कैंसर का फॉर्म ले लेता है। तो ये कैंसर की बेसिक थीम है, नॉर्मल सेल डिवाइड कर रही है एक फिक्स टाइमिंग में, लेकिन जब सेल कैंसरस हो जाया करती है तो कैंसरस सेल कंट्रोल नहीं कर पाती अपने डिवीजन पे, वो डिवीजन करती ही रहती है, सारी एनर्जी लग जाती है डिवीजन में और एक ट्यूमर तैयार हो जाता है, मास ऑफ सेल तैयार हो जाता है। उस ट्यूमर के कारण ब्लड सप्लाई में बाधा आती है, ब्लड सप्लाई ब्लॉक होती है, जिससे आपके बॉडी में इंफेक्शन फैलता है। ये ट्यूमर फट भी सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है, बताऊंगा अभी। एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसे ट्यूमर क्या बोलते हैं, अगली जगह पे फिक्स ट्यूमर तो क्या बोलेंगे, क्योंकि हर एक ट्यूमर नुकसान ही पहुंचाता। आपने देखा होगा कुछ ट्यूमर हमारी बॉडी में गांठ जैसे फॉर्म में पड़े रहते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं, वो ट्यूमर नुकसान नहीं करते आपकी बॉडी को, उसी जगह फिक्स रहेंगे, जाएंगे नहीं, ऑपरेट करवा के आपने हटवा दिया। लेकिन जब ट्यूमर को ऑपरेट करना है फिर निकल आ रहा है, ट्यूमर फिर ऑपरेट करते हैं फिर निकल आता है, ऐसा ट्यूमर खतरनाक होता है और ये ट्यूमर आप में कैंसर कॉज करेगा। तो फर्दर फ्यूचर में अगर आप डॉक्टर बनते कैंसर के बारे में जाने, तो एक बेसिक थीम मैंने आपको कैंसर के बारे में बताया कि कैंसर कैसे हो रहा है, कैंसर है क्या। अब इसकी डिटेल समझते हैं एनसीईआरटी के विभाग पे। तो
जैसा कि बोला गया, कैंसर इज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर मासेस ऑफ सेल, जैसा कि मैंने बताया, सेम मेरी सारी बातें मैच करेंगे एनसीईआरटी से। तो पहली बात तो ये निकल के आ गई कि जो हमारा ट्यूमर है, कैंसर है, ये एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन सेल्स है और ट्यूमर बना देती है। ये देख रहे ट्यूमर बने हुए हैं, ऐसे होते हैं ट्यूमर्स। आपके बकल कैविटी में ट्यूमर हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन में भी ऐसे ट्यूमर हो सकता है। तो ये आपका जो ट्यूमर है ऐसे ही दिख रहा है। नॉर्मल सेल्स सो अ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे वाइवा में पूछ सकता है एग्जामिनर, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं इसे मार्क कर देता हूं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब कह रहा है कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड, जैसे कोई सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती है, ये अपने पास वाली मौजूद जो दूसरी सेल है उसके अगर टच में आती है जो हेल्दी है, तो ये क्या करता है, इसके ग्रोथ को रोकेगा, कंट्रोल करेगा, इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। आप तेजी से बढ़ते चले आ रहे हो, मैं आपके पास आके मैंने आपको टच किया, आपने अपना अनकंट्रोल्ड मेथड रोक दिया। तो वही कह रहे हैं नॉर्मल सेल शो करती है क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। नॉर्मल सेल का काम अगर कंट्रोल करने लगी तो जैसे ही हेल्दी, जैसे ही नॉर्मल सेल के बगल में आएगी वो अपने ग्रोथ को रोक देंगी, नहीं कहते में रोक। लेकिन कैंसरस सेल डिड नॉट हैव देयर दिस प्रॉपर्टी, कैंसरस सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो भागी चली जा रही है, ग्रोथ करती चली जा रही है, डिवीजन करती चली जा रही है, एक ट्यूमर एक गांठ को बना डालती है। ये कॉमन समझ में आया। अब देखिए ट्यूमर कितने टाइप के, फर्स्ट आपका ट्यूमर होता है जिसका नाम है बेनी ट्यूमर, ये हमारा एक बेनी ट्यूमर है। दूसरा ट्यूमर हमारा होता है जिसे बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक बेनी ट्यूमर हो गया, दूसरा हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया। मैलिग्नेंट जहां लगी जाता है मींस खतरनाक। बेनी ट्यूमर की खास बात यह होती है कि ये एक ही जगह पर रहता है, स्टे अ फिक्स प्लेस, ये एक फिक्स प्लेस पे रहते हैं, चाहे जहां पर हो, हाथ में हो, पैर हो, ये जहां पे रहेंगे फिक्स रहेंगे, इधर उधर भागेंगे नहीं। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर ये सर्कुलेट कर जाता है, ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे चले जाते हैं हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो यहां पर ये बोर्ड में क्वेश्चन इस मैलिग्नेंट और बेनिग्न ट्यूमर से बहुत पूछा जाता है, सॉरी मैलिग्नेंट ट्यूमर से एंड बेनी ट्यूमर से बहुत पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के ट्यूमर्स होते हैं। वाइवा वाइस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्यूमर कितने टाइप के, तो बेनी ट्यूमर हो गया और मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया। बेनी ट्यूमर अपने जगह पर रहेगा, नॉर्मल ट्यूमर है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर ये सर्कुलेट करता है, ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, यही खतरनाक होते हैं। गंदगी एक ही जगह रहे कोई दिक्कत नहीं, एक जगह से दूसरी जगह फैलेगी वो गंदगी खतरनाक हो गई, और वो गंदगी हमारी मैलिग्नेंट ट्यूमर। चलिए एक के बारे में आगे समझते हैं। बेनिग्न ट्यूमर के बारे में अगर बात करें तो कन्फाइंड टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, जिस जगह पे बने हैं उसी जगह पे ये रहेंगे। बेनिग्न ट्यूमर जिस जगह पे बने, देखिए ट्यूमर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स बनी, क्या हो रहा है, डिविजन चल रहा है, ट्यूमर है लेकिन अपनी जगह पे स्टे कर रहे हैं, फिक्स है, सारी सेल्स अपनी जगह पे फिक्स है, कोई भाग नहीं रहा है, ट्यूमर अपनी जगह पे मौजूद है, फिक्स प्लेस पे ट्यूमर है, अभी ट्यूमर हमारा फिक्स प्लेस पे है, फिक्स प्लेस पे है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल ट्यूमर है, यानी बेनिग्न ट्यूमर हमारा नॉर्मल ट्यूमर होता है, कोई कैंसर कॉज नहीं करेगा हमारा बेनिग्न ट्यूमर, ध्यान से समझिएगा ये चीज को। They do not spread to other parts, बता दिया मैंने आपको, causes little damage, थोड़ा बहुत डैमेज करते, जिस टिश्यू के पास है वहां पे डैमेज करेंगे, सर्जरी करेंगे, निकालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डैमेज करेगा लेकिन लिटिल डैमेज करेगा। लेकिन अगर देखें आप मैलिग्नेंट को, तो मैलिग्नेंट क्या करता है, देखिए जैसे यहां पर देखिए ट्यूमर बनना स्टार्ट हुआ, देखिए यहां पर ये सेल्स बाहर निकलना चालू, सारे ट्यूमर्स बाहर आने लगे, ये खतरनाक हो गया, ये खतरनाक ट्यूमर हो, क्योंकि ये रुक नहीं रहे, भाग रहे, जबकि वो रुके पड़े थे सारी सेल्स, कैंसरस सेल्स यहां पर, कैंसरस सेल बाहर निकल देंगे, दूसरे सेल को कैंसरस बना देंगे,
और कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाए, तभी कहते हैं कि भाई ये ट्यूमर था, ट्यूमर फट गया, कैंसर फट गई गांठ, पूरी बॉडी फैल गई, मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि ट्यूमर में मौजूद या मैलिग्नेंट ट्यूमर के मौजूद सेल्स कैंसर सेल्स होती हैं, जो दूसरे सेल को भी बर्बाद कर देती हैं, वहां भी ट्यूमर बनाते हैं बॉडी में, हर जगह ट्यूमर। तो ये ट्यूमर मैलिग्नेंट हमारे लिए खतरनाक है, बेनिग्न ट्यूमर हमारे लिए नॉर्मल ट्यूमर है। फिर ये कुछ ट्यूमर दिखाए जा रहे हैं, ट्रंक पे हैं ट्यूमर्स, एंड आपके टॉन्सिल्स के पास ट्यूमर्स है, देखिए कैसे जिंजिविया ट्यूमर है, या आपके दांतों के पास ट्यूमर होता है, क्लियर, टंग के पास देखिए छोटा सा ट्यूमर है ये, ठीक है, ये बेनिग्न ट्यूमर्स हैं, ये नॉर्मल तरीके से सही किया जा सकता है, लेकिन यही ट्यूमर अगर कैंसरस हो जाएंगे, मैलिग्नेंट हो जाएंगे, तो फिर आपकी जान चली जाएगी। आगे चलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मास ऑफ प्रोलिफरेशन सेल्स, आप समझिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट समझिएगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल, हम इन सेल्स को नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल कहते हैं। मैलिग्नेंट में जो सेल्स पाई जा रही है वो नियोप्लास्टिक सेल्स होती है, ट्यूमर सेल्स होती है, दैट ग्रो रैपिडली इनवेड एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज, अपने नॉर्मल सराउंडिंग के नॉर्मल टिश्यूज उनको भी डैमेज कर देती है। तो आपसे पूछ सकते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स क्या है, तो ट्यूमर सेल्स को ही नियोप्लास्टिक सेल्स कहते हैं, याद रखिएगा। ड्यू टू एक्टिव डिवीजन एंड ग्रोथ दे स्टार्व नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स, स्टार्व का मतलब उन्हें भूखा रख देती है, क्यों भूखा रख दे रही है, ये खुद ही अपने आप बढ़ी चली जा रही है, खुद सारी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो बेचारी नॉर्मल सेल को कहां से न्यूट्रिशन मिलेगा, खुद ही सारा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो नॉर्मल सेल क्या होती है, डिजनरेट होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, इसीलिए खतरनाक होते हैं। तो ये जो हमारी नियोप्लास्टिक या ट्यूमरस सेल्स है, ट्यूमरस सेल्स बहुत तेजी से बढ़ती है, जिस कारण ये दूसरे सेल पे दूसरे सेल को न्यूट्रिशन देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खुद ही बढ़ रही है डिवीजन करके, नए नए सेल्स बन रहे, सारा न्यूट्रिशन खुद एब्जॉर्ब कर रही है। सेल्स लेफ्ट फ्रॉम द ट्यूमरस रीच अदर साइड वाया ब्लड वेयर दे फॉर्म अ न्यू ट्यूमर, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज मेटास्टेसिस, यहां पर एक क्वेश्चन तैयार होता है, व्हाट इज मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस क्या है, जब आपका बना हुआ मैलिग्नेंट ट्यूमर और इसकी जो हमारी सेल्स हैं, जिसे हमने नियोप्लास्टिक सेल कहा, ये नियोप्लास्टिक सेल ब्लड के साथ पूरे बॉडी पे जा रही हैं, ब्लड के साथ पूरे बॉडी पे मूव कर रही हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन कर लीजिए इसमें नोट पेपर कि व्हाट इज मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस क्या है, सेल सिलेक्ट फ्रॉम ट्यूमरस reach other side by a blood where they form a new tumor, this is called metastasis. एक cancerous cell blood के through दूसरे जगह organ में पहुंचती है और वहां जाकर भी tumor create करती है, ये होता है हमारा metastasis। बात करते हैं carcinogens की, तो cancer को cause करने वाले कौन कौन से agent हैं, उनको हम carcinogens कहते हैं। आपने सबसे पहले बात तो कैंसर को समझ लिया, कैंसर है क्या, ट्यूमर से होने वाला बीमारी है। ट्यूमर आपने दो तरीके के देख लिए, बेनिग्न ट्यूमर देखा आपने और मैलिग्नेंट ट्यूमर देखा हमने। यहाँ पर अब कैंसर कॉजिंग एजेंट की बात करी हमने, तो हमने उनको नाम दिया कार्सिनोजेंस, जिसके थ्रू हमें कैंसर हो सकता है। पहला है फिजिकल एजेंट, सेकेंड केमिकल एजेंट, एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल एजेंट। थ्री टाइप के एजेंट्स हैं जिनके थ्रू लोगों को कैंसर हो सकता है। पहला फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट में आपके एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, एंड 9 नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है लाइक यूवी रेज हैं, जो हमारे डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, जिस कारण हमारे में ट्यूमर हो सकता है। ये फिजिकल हमारे एजेंट्स हैं। सेकेंड हमारा केमिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट में हमारे टोबैको स्मेल आता है, बिकॉज टोबैको में मेजर कॉज जैसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में सेल्स को कैंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोबैको स्मोकिंग करना गलत है आपके लिए, लंग कैंसर के कारण बनता है। वाइनिल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस, ये एक केमिकल है, तो हमने नाम दिया केमिकल एजेंट्स। एक दो एग्जांपल आप याद कर ले, केमिकल एजेंट में सफिशियंट है। बायोलॉजिकल एजेंट थोड़ा और इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल एजेंट की बात करें तो बायोलॉजिकल एजेंट में सबसे पहले बात आपके आती है ऑन्कोजेनिक वायरस। ये देखिए ऑन्कोजेनिक वायरस,
ये ऐसे वायरस जैसे वहां रेट्रोवायरस एड्स कॉज कर रहा था, ऐसे यहां पर ये वायरस जिनको जो कैंसर कॉज करते हैं उसको हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। ये ऑन्कोजेनिक वायरस हमारे डीएनए में कुछ चेंज कर देते हैं जिस कारण हमारी सेल अनकंट्रोल डिवीजन करने लग जाती है। सेलुलर ऑन्कोजीन्स होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। व्हेन सेलुलर ऑन्कोजीन इन नॉर्मल सेल इज एक्टिवेटेड देन द सेल बिकम ऑन्कोजेनिक। क्या चीजें समझ लीजिए, आपके डीएनए में कुछ ऐसे जीन्स पहले से ही मौजूद होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, याद रखिएगा हर एक की बॉडी में है ये कैंसर कॉजिंग जीन है। और इस कैंसर कॉजिंग जीन को हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्को जीन्स। ये पहले से आपकी बॉडी में होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। यानी प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होता है, इनएक्टिव होता है। लेकिन किसी वायरस के कारण कोई वायरस एंटर कर जाता है और उस वायरस के कारण जो हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन है या किसी भी दूसरे एजेंट के कारण ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्टिव हो जाता है और बन जाता है ऑन्कोजेनिक। ये बन जाता है ऑन्कोजेनिक, ऑन्कोजेनिक एक्टिव फॉर्म है। और जैसे ही ऑन्कोजेनिक जीन एक्टिवेट हो गया ये सेल को ऑर्डर देता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन के लिए, अनकंट्रोल्ड डिवीजन के लिए, और वही कॉज करता है ट्यूमर। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमारे पास पहले से ही मौजूद है जो कैंसर कॉजिंग जीन्स है, लेकिन वो इनएक्टिवेट है। लेकिन किसी एजेंट के कारण वो जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के कारण वो हमारे दूसरे पार्ट को ऑर्डर देते हैं कि भाई सेल अनकंट्रोल्ड हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, बेकार हो गया वो। अब ऑन्कोजेनिक आ गया, एक्टिव हो गया, उसने कहा अनकंट्रोल्ड डिवीजन का अभी साथ था लेकिन एक्टिव हो गया किसी फैक्टर के कारण, चाहे वो वायरस हो या। तो ये होता है प्रोटो ऑन्कोजेनिक। ये सब बात याद रखिएगा जो मैंने बताया, ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं जो हमारे सेलुलर ऑन्कोजेंस को या प्रोटो ऑन्कोजेंस नॉर्मल कंडीशन में था लेकिन किसी कारण से वो एक्टिवेट हो गया, तो क्या हो गया, ऑन्कोजेनिक हो गया, यानी कैंसर कॉजिंग हो गया। तो यहां पर थ्री एजेंट्स हमें देखने को मिले, फिजिकल एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट्स हैं एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। याद रखिएगा तीन एजेंट इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा सकता है कि कार्सिनोजेंस कितने टाइप्स के हैं, तो थ्री टाइप की कैटेगरी आपने बना दी, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिकल में जाएगा तो यूवी रेज एक्सेस आ गया, केमिकल में जाएंगे तो मस्टर्ड गैस आ गई, टोबैको आ गया, स्मोक। एंड आप अगर बायोलॉजिकल जाते हैं तो वहां पे ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं जो हमारे सेल में मौजूद पहले से प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजेनिक वायरस में कन्वर्ट करके एक्टिवेट कर देते हैं और ट्यूमर बनने लगता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हम कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। तो कैंसर के डिटेक्शन के लिए, डायग्नोस करने के लिए हमारे पास मेथड बहुत सारे मौजूद है। सबसे पहला मेथड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो है बायोप्सी। बहुत कॉमन सुना होगा आपने कि बायोप्सी भी कराई गई है, ये सबसे कॉमन मेथड है बायोप्सी। सेकेंड इमेजिंग टेक्निक्स है, थर्ड है यूज ऑफ एंटीबॉडीज, फोर्थ है हमारा मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक, यानी कि आपके डीएनए से टेस्ट करके निकालना। सबसे पहले चलते हैं हम लोग बायोप्सी पे। बायोप्सी क्या है, चलिए एक एक डिटेल देखते हैं। बायोप्सी जब भी किसी डॉक्टर को ये लगता है कि पेशेंट के ट्यूमर बार बार बन रहा है तो वो उस ट्यूमर का एक टिश्यू को कट करके ले लेता है और आपसे कहेगा भाई कि ये जो है टेस्ट मुंबई जा रही है, डेली टेस्ट होने जा रही है और आपको वेट करना पड़ेगा बायोप्सी के लिए मिल जाएगा। तो बायोप्सी में आपके टिश्यू की स्टडी की जाती है कि जो ट्यूमर के अंदर सेल्स पाए जा रहे हैं क्या वो रैपिडली से डिवाइड कर रहे हैं, अगर रैपिडली से डिवाइड कर रहे दैट्स मीन इट्स अ कैंसर, दैट्स मीन इट्स अ ट्यूमर। सो ऐसी कंडीशन के लिए हम सबसे पहले जो टेक्निक यूज करते हैं वो थी बायोप्सी। तो बायोप्सी है क्या, अ थिन पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू, सस्पेक्टेड इन पेशेंट टिश्यू इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी से नाम दिया जाता है। हिस्टो मतलब
आपके टिश्यू का मतलब होता है। जब टिश्यू की स्टडी की जाती है तो उसकी जब हम यूज करते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी आपके टिश्यू के स्टडी करने को बोलते हैं। तो इसी तरीके से हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करी जाएगी, आपके टिश्यू को लिया जाएगा, सैंपल कहीं बोन से निकाला जाएगा। अगर आपको ब्लड कैंसर है तो आपकी जो प्यूबिक बोन है, इस प्यूबिक बोन से बोन मैरो के सैंपल लिया जाता है, जहाँ पर ब्लड का कैंसर का कॉजिंग का पता लगाते हैं कि आई थिंक क्यों ब्लड कैंसर चल रहा है। तो वही देख रहा इन ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया क्या है? एक तरीके का ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर एक तरीके का ब्लड कैंसर है हमारा ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया की जांच करें, सिंपल सी बात है, आपकी जो बड़ी बोन होंगे उस बोन में, बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनती हैं और वहीं पे ब्लड गड़बड़ी हो रही है। इसलिए ऐसी कंडीशन में आपका ब्लड या बोन मैरो लिया जाता है टेस्ट फॉर इंक्रीज सेलकाउंट्स। बोन मैरो से, आपके लार्ज बोन से बोन मैरो को लिया जाएगा टेस्ट के लिए। तो ये होती है बायोप्सी। क्लियर? टिश्यू को लिया जा रहा है स्टडी के लिए, इसलिए हम बायोप्सी। कई जगह ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट सेल्स की आपकी बायोप्सी ली जा रही है, टिश्यू निकाला गया आपसे और पता लगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सी जो बायोप्सी जो आप अभी तक सुनते आए हैं कि हाँ भाई बायोप्सी हो रही है, तो बायोप्सी का मीन मैंने यहाँ पर दिखाया कि बायोप्सी में आपकी बॉडी का जिस जगह पर बायोप्सी होनी उसका टिश्यू लिया जाता है फॉर डिटेक्टिंग द अनकंट्रोल्ड सेल्स डिविजन। क्लियर? तो वो हो गई हमारी पहला क्या, बायोप्सी। अब सेकंड करते हैं, सबसे ज्यादा जो नर्विंग वाला वो बायोप्सी था। सेकंड डिटेक्शन पे चलते हैं। तो इमेजिंग टेक्निक आती है। इमेजिंग टेक्निक में या तो आप एक्सरे फिल्म का देख रहे हैं, या तो सिटी स्कैन देख रहे हैं, या एमआरआई करा रहे हैं। सिटी स्कैन है, एमआरआई इनके फुल फॉर्म रन कर लीजिएगा। तो रेडियोग्राफी इसमें आ रहा है, यूज ऑफ एक्सरे यूज करते हैं, तो ये रेडियोग्राफी आ रहा है, यहां से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सिटी स्कैन मींस कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी में एक्सरेज को जनरेट किया जाता है, 3D इमेज देखा जाता है, इंटरनल ऑब्जेक्ट का 3D स्ट्रक्चर, वहां पे हम देख सकते हैं सेल्स में कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी से स्कैन किया हमने, याद कर लीजिएगा सिटी स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटर टोमोग्राफी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट में आता है एमआरआई। एमआरआई मींस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई, इसमें आपके ब्रेन को अच्छे से देखा जाता है, जिस जगह पे आपको रेड दिखता है इसका माना जाता है कि जगह पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो गया है। क्योंकि जो सेल्स जितनी ज्यादा एक्टिव होगी वो रेड कलर शो करती है, वो रेड रेडिएशन फेंकेगी। तो यहाँ पर जब आपकी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होगी यानी एमआरआई होगी, तो वहां पर आपके ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट किया जाता है। तो ये इमेजिंग टेक्निक्स थी, यहाँ पर दोनों के एब्रिविएशन लग लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। थर्ड पे आता है यूज ऑफ एंटीबॉडीज। तो हम देखते हैं अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन कि आपकी बॉडी में क्या ऐसे एंटीबॉडी बन रही है, क्योंकि आपको पता है बीमारी कोई होगी तो एंटीबॉडी तो बनना चालू हो जाएगा। उस एंटीबॉडी से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर किसी की बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है और वो एंटीबॉडी कैंसर बना रही है, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसमें एंटीबॉडी है, इसका मतलब कि इसके अंदर कैंसर हो, तभी एंटीबॉडी बन रही है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक भी यूज करते हैं हम, किस लिए? टू डिटेक्ट कैंसर रिलेटेड जीन्स के लिए। हम देखते हैं कि आपके बॉडी में क्या वो जीन मौजूद है, अगर वो जीन मौजूद होगा तो इसी जीन का एंटीपैलर जीन बना के भेजते हैं, और अगर हमारा एंटीपैलर जीन इस जीन से जुड़ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे पास कैंसर कॉजिंग जीन है जो कैंसर कॉज कर रहा है। ठीक है, तो डिटेक्ट कैंसर जीन्स सच इंडिविजुअल सो नॉट शुड अवॉइड कार्सिनोजेंस। ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए जिनके बॉडी में कैंसर कॉजिंग जीन क्या है बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के देखें, चाहे वैसे तो परमानेंट क्यों नहीं है इसका कुछ भी, अगर अगली स्टेज पे है तो शायद आप बच सकें, लेकिन एक टाइम के बाद इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। तो एक टाइम के बाद जब परमानेंट क्योर नहीं है तो चलिए देखते हैं फिर भी क्या क्या किया जा सकता है। तो पहला है रेडियोथेरेपी, सेकंड है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सेकंड कीमोथेरेपी, थर्ड इज इम्यूनोथेरेपी एंड फोर्थ इज सर्जरी। चार चीजें हमारे ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी क्या है? देखिए, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। कई सारी रेज का यूज करके, रेडिएशन का यूज करके हम टिश्यू को जला देते हैं जो कैंसर वाली है। लेकिन आप सोचिए अभी स्टार्टिंग है तो कोई दिक्कत है, लेकिन बॉडी में हर जगह ट्यूमर फैल चुका है तो कहाँ का रेडिएशन मारेंगे? इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं।
तो रेडिएशन से हम रेडिएशन मारते हैं टिश्यू को डैमेज करते हैं जो हमारे कैंसर कॉजिंग है। सेकेंड कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ड्रग्स यूज किया जाता है और ड्रग्स के थ्रू आपको मेडिएट किया जाता है। यूज ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स, मैनी ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस एंड एनीमिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ कीमोथेरेपी। आप देखेंगे अधिकतर एक्टर्स को जो कैंसर से पेशेंट रहे हो, देखिएगा कभी भी तो आपको उनके हेयर, सर के जो बाल है वो कम होंगे, बहुत कम हो जाएंगे, बॉडी वीक सी हो जाती है, दुबली हो जाएगी बॉडी। क्यों? क्योंकि कीमोथेरेपी में ड्रग्स का यूज किया जाता है, ड्रग्स के कारण इतनी हीट होती है कि आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कीमोथेरेपी से कि आपके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक की बात करेंगे तो आप हेयर लॉस एंड एनीमिया के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं इम्यूनोथेरेपी। पेशेंट आर गिवन बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफाइड, एग्जांपल इंटरफेरॉन्स। हम आर्टिफिशियली इंटरफेरॉन्स डालेंगे। इंटरफेरॉन्स आपने पढ़ा हुआ है, जब कोई सेल वायरस से इंफेक्टेड होती है तो दूसरी सेल को बचाने के लिए केमिकल रिलीज करती है जिसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। यहाँ भी ये वो इंटरफेरॉन्स बनाएगा, इंटरफेरॉन्स बनाकर हम सुपर सकते हैं, उसे क्योर कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ जितने भी आप ट्रीटमेंट देख रहे हैं ये सिर्फ अर्ली डायग्नोसिस के हैं, एक टाइम के बाद फिर आप सही नहीं कर सकते हैं। लास्ट में आता सर्जरी। सर्जरी आप जानते हैं किसी भी चीज को ऑपरेट करके हम उस टिश्यू को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। प्रिवेंशन के बाद, ट्रीटमेंट के बाद अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स हमारा कैंसर इतना ही रखता है हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंस। क्या आज के इस लेक्चर में स्टार्टिंग से बताऊं तो सबसे पहले हमने जाना कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ कैंसरस सेल्स फॉर्म ट्यूमर, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ ट्यूमर हमने पढ़े, बेनिग्न ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर नॉर्मल थे, एक जगह पर रहते थे, मैलिग्नेंट ट्यूमर भाग रहे थे और भागने के प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोला। ट्यूमर जानने के बाद हमने ये भी जाना कि भाई इन ट्यूमर्स के एजेंट क्या है, क्यों ट्यूमर हो जा रहा है। तो हमने एक हेडिंग बनाई कार्सिनोजेंस। जब कार्सिनोजेंस को पढ़ा तो पता चला भाई कि फिजिकल भी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो फिजिकल एजेंट भी है, केमिकल एजेंट भी है, बायोलॉजिकल एजेंट भी है। फिजिकल एजेंट में हमारे पास एक्सरेज है, गामा रेज है। केमिकल एजेंट में हमारे पास टोबैको स्मोक है, मस्टर्ड गैस थी। और बायोलॉजिकल में हमारे क्या थे, ऑन्कोजेनिक वायरस। याद करिएगा तीन टर्म याद देखना है आपको, ऑन्कोजेनिक वायरस थे, प्रोटो ऑन्कोजीन्स थे जो नॉर्मल सेल्स में पाए थे, प्रोटो ऑन्कोजीन्स यही एक्टिवेट हो गए तो बन जाते हैं ऑन्कोजीन्स। उसके बाद हमने इनके डायग्नोसिस के बारे में देखा, तो डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी थी, डायग्नोसिस के लिए इमेजिंग मेथड थे यानी MRI थी, सिटी स्कैन था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हेल्प करके हमने डायग्नोस किया। और ट्रीटमेंट की बात आई तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास फोर स्टेप थे। ट्रीटमेंट के लिए हम सर्जरी कर सकते थे, कीमोथेरेपी कर सकते थे, रेडियोथेरेपी कर सकते थे, इसके थ्रू हमने इसका ट्रीटमेंट भी किया। तो बचे रहे कार्सिनोजेन से, सुरक्षित रहे। और आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का एक पार्ट फिनिश हुआ जो डिसीज से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा आपको ड्रग्स एंड एडिक्शन पे, थोड़ा ड्रग्स के बारे में भी जानिए, उनके नुकसान को जानिए। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ड्रग्स एडिक्शन के साथ।